अस्सलाम वालेकुम आरएफआई डिजिटल में भलीकार आऊं यहां अली रजा मंगी नाजरीन अज छंछर जो डी आ है आई 7 अक्टूबर आ है शामिल कंदासी इन वक्त आई जो खास खास खबरों हमास जा इसराइल ते मिसाइल हमला 57 इसराइली मारजी वया केतराई जख्मी जमीन हवाई ए समुंड मा कामयाब हमलन ते इस्माइल हानिया शुक्राने जो सजदो अदा कयो जंग जी शुरुआत कई वई आ है जवाब दिनो विंदो नेतन याहू जो चिता अमेरिका पारा कैनेडा से चकदान का पोए भारत से सफारती लागापा महदूद करण जो ऐलान भारत में अमेरिकी सफीर जो चवण है तो वॉशिंगटन के दिल्ली से अण ऐलानियल मुद्दे ला सफारती नाता महदूद करना पौंदा वसीलन की चोरी रोकने लाए गैरकानूनी सरगर्मियों खिलाफ कार्रवाई जारी रही आर्मी चीफ जो सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास के खिताब एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया जो नौ सरबराह बणजी वयो इस्लामाबाद में पाक बहरिया के कमान की तब्दीली वारी पुरवकार तकरीब दुनिया की बेहतरीन नेवी की अगवाणी कर एक एजाज हो अगूणे नेवल चीफ जो खिताब जेनिवा कॉन्फ्रेंस में बोर मुतासर की बहाली लाए पाकिस्तान से कल वायदन से मुकम्मल तौर अमल दरामद नामुमकिन बणजी वयो पाकिस्तान के रुगो 3 अरब डॉलर रोक मिलंदा पंजाब में कपह की पैदावार में 80% वाद 1.5 करोड़ गठड़ियों से मुल्की घुर्ज वारो हदफ पूरो थियण जो इम्कान है वफाकी वजीर गोहर एजाज से गड पंजाब के निगरान वरे वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौमी एयरलाइंस के खानगान लाए आलमी मालियाती इदारन के खत लिखण जो फैसलो पाकिस्तान के प्राइवेट एयरलाइन पिण खरीदारी में दिलचस्पी रखे थी निजकारी कमेटी इजलास में मुख्तलिफ इदारन के विक्रे जो जायजो वरतो वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की सोभारी शुरुआत भारत के क्रिकेट स्टेडियम में मुकम्मल खामोशी पाकिस्तान नीदरलैंड के 81 रनसों तक शिकस्त रही छड़ी ड्रेसिंग रूम में रांदीगरन के नाम देने वाली तकरीब मिकी आर्थर रांदीगरन में अवार्ड विराया वर्ल्ड कप में अज ब मैचों खेड़ी पी वन हाँ शामिल कंदासी तफसीली खबरों फलस्तीन इसराइल के विच में एक नई जंग शुरू थी वही है गजा में इसराइल ते रॉकेट हमले में एक औरत समेत 57 इसराइली मारजी वया जने तक केतराई जख्मी थिया हमास अगवान इस्माइल हानिया जमीनी फिजाई ए समुंड में कामयाब हमलन ते शुक्र जो सजदो अदा कयो हमास इन ऑपरेशन के ऑपरेशन अल अक्सा जो नालो दिनो आहे हमास जे अल किसाम ब्रिगेड 2500 रॉकेट इसराइली इलाकन में फायर कया ए मुजाहमती वेढ़ाक प्यादल इसराइली सरहद पार करे इसराइली हदुन में दाखिल थी वया जिते घिटिन ए रस्तन में इसराइली फौज से संदन झड़पू थियूं मुजाहिदन लगभग 3 दर्जन के सेहोनी फौजन के यरगमाल बनाए रखो है इन हमले में केतरन ही फौजी गाडियन के कब्जे में वरतो वो इसराइली अखबार की रिपोर्ट में चयो वो है हमास के ओचितो हमलन में केतरा इसराइली मारजी वया सवें जख्मी ए बेशुमार यरगमाल बनल बे तरफ हमास के हमलन के जवाब में इसराइल गजा ते बमबारी शुरू कर छड़ी है गजा में फलस्तीनी घरू वजारत की इमारत फिजाई हमले में तबाह थी वही इसराइली फौज के तर्जमान चयो है गजा में हमास के ठिकानन के निशानो बनाया वो है हमास के मुजाहमत कारण इसराइली रुकावटों टोड़े ऑपरेशन में हिस्सों वरतो हमास जमीनी फिजाई ए समुंड जरिए इसराइली हदुन ते हमला कया जैमें 57 इसराइली मारजी वया केतरा ही जख्मी थिया हमास के सरबराह इस्माइल हानिया इन कामयाब हमले ते अल्लाह जो शुक्र अदा कयो जने हमास के अगवान मोहम्मद दाइफ जो चवण है बस हाँ घणो थियो ताकत से जवाबी कार्रवाई कंदा गजा में ताजे हमलन ते इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन याहू फौजी हेडक्वार्टर्स में हंगामी इजलास में चयो त जंग शुरू कई वही है जैंजो भरपूर जवाब दिनो वेंदो गालिन जरिए मामला हल करण की कोशिश कई वही पर हाँ सूरत हाल तब्दील थी वही है इसराइली बचाव वाले वजीर मूजिब जंगी हालतों को अलर्ट जारी कयो वियो है इजाफी फौजन के पिण तलब कयो है इसराइल साल 2007 का गजा जो घेरो करे रखियो है 2023 दौरान इसराइली फौज के हथा 200 फलस्तीनी शहीद थी चुका है ताजी कार्रवाई विच ओभर में एक भेरो बीहर जंग की सूरतयाल पैदा कर छी है अरब मुल्कन जंगी सूरतयाल से गणती जो इजहार कंदे मुशावरत शुरू कर छी है हथे खाली फलस्तीनियन से इसराइली जुल्म जो सिलसिलो बंद न थो सेहोनी फौज की फायरिंग में एक शागिर्द समेत 4 फलस्तीनी शहीद थी वया इसराइल जो हथे खाली फलस्तीनियन मथा जुल्म जारी है हवारा वे इलाके में जनाज नमाज के मेड़ से इसराइली फौजन हमलो कयो झड़प में 51 फलस्तीनी जख्मी थिया ऑपरेशन का पोए इसराइली फौज जुड़तू यहूदी आबादी से गडजी रात के वक्त हवारा शहर से हमलो कयो
यहूदी गिरोहन फायरिंग करे फलस्तीनी शागिर्द लबेब दमदी के कत्ल कर छो। सयोनी फौज की मौजूदगी में यहूदी हथियारबंदन घर मुख्तलिफ हंधन के बाहि डेई साड़े पिण छो। भारत में मुकर्रर अमरीकी सफीर एरिक गारसेटे जो चवण है तो बिन्हीं मुल्कन के सफारती नातन में चिकताण वधी वई है। अमरीका के भारतीय अख्तियारन से अण ऐलानियल मुद्दे तई नाता महमल करना पवंदा। भारत में मुकर्रर अमरीकी सफीर जो चवण है तो हरदीप सिंह नजर के कत्ल का पोए बिन्हीं मुल्कन जा नाता महदूद थी रहा है। भारतीय अख्तियारन से राबतो अणजातल मुद्दे तई मुअतल कयो वञे। जडें त अमरीकी परडेही खाते जो चवण है तो भारत हरदीप सिंह कत्ल केस में कैनेडा से मुकम्मल सहकार करे। मैथ्यू मिलर एक भेरों बीहर चवे तो हरदीप सिंह के कत्ल में भारत जो मुलविस होजन इंतहाई संजीदा मामलो है। सीएनएन मूजिब फाइव आईज भी कैनेडा के इल्ज़ाम की तस्दीक कर छी है। भारतीय हुकूमत अमरीका के कैनेडा ए सिख बिरादरी से एको करण हिमायत से परेशान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो चवण है तो वसीलन की चोरी से मुल्की मईशत के पहुंचंदड़ नुकसान के रोको वो। इदारा पूरी कुवत से गैरकानूनी सरगर्मियों खिलाफ कार्रवाई जारी रखा। आईएसपीआर मूजिब सिंध के निगरान वरे वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ त मुल्क के थींदड़ मुआशी नुकसान के पूरी कुवत से रोको वो। इजलास में डिनल ब्रीफिंग मूजिब नेशनल एक्शन प्लान में सिंध के कच्चे वारन इलाकन में ऑपरेशन गैरकानूनी परडेह की वतन वापसी परडेही करेंसी के रेगुलर करण कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सीपेक मनसूबन से कम कदड़ परडेही शहरों के तहफ़ ए सिंध में एसआईएफसी के कदम से अगभराई जो जायजो वरतो वो। आर्मी चीफ उन समूर नुकतन से अमल दरामद लाए इदार के कोऑर्डिनेशन से जोर दिनों। एपेक्स कमेटी में शिरकत कदड़न इन गाल के वरजाया तो रियासती इदारा हुकूमती खाता अवाम सूबे की तरक्की खुशहाली लाए मुतहद हैं। एडमिरल नवीद अशरफ पाक नेवी की कमांड संभाले वरती है। रिटायर्ड थींदड़ नेवल चीफ अमजद खान न्याजी इदारे की कमांड नई क़यादत के सौंपे छी। नेवी के नए कमांडर एडमिरल नवीद अशरफ 1999 में पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन कई। उन कामयाबी से जर्मनी ए पाकिस्तान में शुरुआती बहरी तरबियत मुकम्मल कई। पाकिस्तान में बहरी तरबियत में गैर मामूली कारकर्दगी से खेस कायदे आजम गोल्ड मेडल हिलाले इम्तियाज मिलिट्री ऐं तमगाए बसालत से नवाजो वो। जडें त कमांड की तब्दीली की तकरीब पीएनएस जफर इस्लामाबाद में थी। पाक बहरिया के जवानन नए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो। उन मौके ते अगुणे सरबराह चयो त दुनिया की बेहतरीन बहरिया की अगवानी करण मुझे लाए एजाज की गाल है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मोह जन के लिए सलाहत के वधिक बेहतर करणो पवंद। पाकिस्तान करियल कोशिशों ऐं तावुन ते यकीन रखे तो छो त ब्लू इकोनॉमी कें भी मुल्क लाए तमाम घणो जरूरी है। जेनिवा कॉन्फ्रेंस में बोर मुतासरन की बहाली लाए 10.9 बिलियन डॉलर्स जो वायदो किया वो हो जैमा रुगो 3.4 डॉलर पाकिस्तान के मिलंदा। आलमी डोनर्स पारा पाकिस्तान के बोर मुतासरन की बहाली लाए ऐलान ए वायदन जो जायजो वठण का पोए सुध पई है त पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करण के मनसूबन के लिए रुगो 3.4 बिलियन डॉलर वसूल कर सकंदो। जेनिवा में तय थियल 10.9 बिलियन डॉलर्स जो वो हिस्सों कमोडिटीज तेल के सहूलतुन अगमें ही मिलियल फंड्स में एडजस्ट किया वो। इस्लामी बैंक 4.2 बिलियन डॉलर कमोडिटी ए 3 साल के लिए आईटीएफसी जरिए ऑयल फाइनेंसिंग जो वायदो किया है। सऊदी अरब इन साल डिसंबर तई 1 अरब डॉलर्स के तेल की सहूलत फराम करण जो वायदो किया हो। पैरिस क्लब में 1.5 अरब डॉलर्स जो वायदो किया वो। अड़ी तरह पाकिस्तान के रुगो 4.5 बिलियन डॉलर मिलंदा जैमा सिंध में 6 बलूचिस्तान में 5 खैबर पख्तूनख्वा में 1 मनसूबो मुकम्मल किया वो। काबीना कमेटी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजकारी लाए मालियाती सलाहकारन जूं सिद्धी रीत खिदमतूँ हासिल करण जी मंजूरी दई छड़ी है। निजकारी वारे वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद की सदारत हेठ काबीना कमेटी जो इजलास थियो जैमें देर का बचण लाए सीधो सौ माली सलाहकार भर्ती करण जो फैसलो किया वो। इश्तिहार दियण बदरा 25 आलमी मालियाती इदारन का सिद्धी रीत तजवीजू तलब कई वेंदियों उन्हन मां कें एक के रखियो वेंदो। अड़ी तरह इश्तिहारन जो 2 महीनन वारो वक्त बची वेंदो। निजकारी वारे वफाकी वजीर फवाद हुसैन फवाद मूजिब कौमी इदारे के गुजरल साल 86 अरब रुपयन जो नुकसान थियो जडें त इन साल 153 अरब रुपयन तई जो नुकसान थी सके थो। हुकूमत पीआईए जो 51% विकिरण जो इरादो रखे थी। एक पाकिस्तानी एयरलाइन कौमी एयरलाइन के खरीद करण में दिलचस्पी जाहिर कई है जडें त इंकशाफ थियो है त लाड़काने में पीआईए की होटल संबारा इन कायदन ए जाब्तन का हटी कर सिंध हुकूमत के डिनी वही है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पधराई मूजिब 1 अरब 15 करोड़ रुपयन की होटल हथकण में एयरलाइन के वर्क्स डिपार्टमेंट के घोबिन जो इंकशाफ थियो है। वधीक खबरों शामिल कंदासीं इन ब्रेक का पोए।